हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और ये है मेरा आज का लुक, ये है मेरी ड्रेस, इसको भी आप सब मुझे उम्मीद है लाइक करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप हमारे चैनल में और क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, ठीक है। और अब आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि परसों रक्षाबंधन है, सभी भाई बहनों को इस त्यौहार की बहुत खुशी होती है, हमें भी है। भाइयों को राखी बांधने के लिए जाएंगे, बहुत अच्छे से मन करता है, खुशी होती है, तैयार वैयार होकर भाइयों के घर राखी बांधने जाते हैं, सभी इकट्ठे होते हैं और त्यौहार मनाना किसे अच्छा नहीं लगता, बहुत खुशी होती है। हमारे बच्चे भी हैं, वो भी भाई बहन हैं, आपस में एक दूसरे को राखियां बांधते हैं, मिठाई खाते हैं, खाना पीना खाते हैं, इकट्ठे बैठ के सारे इकट्ठे होते हैं उस दिन, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस बार ये और है कि 15 अगस्त भी राखी वाले दिन ही आ रही है, तो हमारे देश के लिए भी हमारा फर्ज बनता है कि अपने देश की आज़ादी का पर्व बहुत खुशी पूर्वक मनाएं, उल्लास से मनाएं। 15 अगस्त है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस दिन, अपनी आज़ादी के पर्व को राष्ट्रीय पर्व भी है हमारा और हमारा त्यौहार भी है, पारंपरिक जो पर्व होता है वो भी है और राष्ट्रीय त्यौहार भी है, दोनों त्यौहार इकट्ठे आ रखे हैं इस बार, तो दोनों त्योहारों को हम अच्छे से मनाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे देश के लिए और आप सबके लिए हमारा ये त्योहार दोनों सबका बहुत हंसी खुशी से मनाया जाए। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो सूट सिलवाया है, ये देखिए, ये मेरा सूट सिलकर आ गया है, ये हैंगर लगा देती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ, ये ऐसे है। ये है मेरा दुपट्टा, ये है दुपट्टा और ये है इसकी येलो कलर की बॉटम, मेरा ये सूट से क्या आया है। और इसमें ना ये जो इसके गले पर ये बना हुआ है डिजाइन, इसका ये बहुत प्यारा है, यही अच्छा लगा था। और इसमें ये छोटे छोटे ना सितारा टाइप वो है और बड़ा पक्के वाला मजबूत वाला लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और इसकी एक और चीज़ बड़ी प्यारी है, मुझे इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा लगा है, इसके दुपट्टे बड़े सुंदर सुंदर आ रहे हैं, उस पर ये चारों तरफ ये पट्टी लगी हुई है दुपट्टे की, और ऐसे ये बड़ा प्यारा सा टाई एंड डाई का दुपट्टा है, ये बहुत सुंदर सा दुपट्टा है टाई एंड डाई का। एंड ये इसकी बॉटम मैंने नेचुरली सलवार सिलवाई है और ये हमारा बन गया है सूट जो कि राखी पर पहनना है। वैसे मैंने इसको परसों तक कोई प्रोग्राम चेंज ना हो जाए तो
एक्चुअली क्या है, कॉटन का है और गर्मी इतनी हो रही है, कोई सिल्क वगैरह कुछ पहन ही नहीं पा रहे हैं हम तो। सिल्क में इतनी गर्मी लगती है, मेरे पास वैसे मैंने सिल्क का शरारा सूट भी सिलवा कर रखा है लेकिन वो पहना नहीं जाएगा। पंखा नहीं चला, पंखा चला के आई थी। और आप सबकी राखी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? मुझे उम्मीद है आप सबकी भी राखी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। सब सूट सबने बनवाए होंगे, कपड़े बनवाए होंगे, है ना। एंड कल तो ज्यादातर लोग मेहंदी भी लगवाएंगे, मेहंदी लगवाओगे, कुछ ज्वेलरी जिनको खरीदनी होगी वो लोग ज्वेलरी भी खरीदेंगे, फिर मिठाइयाँ वगैरह खरीदेंगे, राखियाँ खरीदेंगे। हमने अभी तक राखी भी नहीं खरीदी है, कल जाएंगे राखी खरीदने के लिए क्योंकि छुट्टी नहीं है ना, डॉटर की छुट्टी नहीं आ रही है, बेटे को किसी की छुट्टी नहीं है, मैं भी जाऊँ तो कैसे जाऊँ अकेले, चपाई नहीं पा रही। कल जाएंगे हम लोग राखी भी खरीदने के लिए। और अब देखो महंगी मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, कैसी हैं, डिज़ाइंस कैसे मिलते हैं। डिज़ाइन वैसे मिल जाते हैं, लास्ट सभी मिलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डिज़ाइंस ख़त्म हो जाएंगे, वैरायटी ख़त्म हो जाएगी, सब मिल जाता है। और आप लोग भी राखी पर अच्छे से तैयार होइएगा और अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाइएगा। यदि किसी बहन भाई में कोई मन मुटाव है, कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसको दूर करिएगा। राखी वाले दिन सब लोग मिल जाया करिए आपस में और राखी बांधिए एक दूसरे को हंसी खुशी से। आज खिचड़ी बनाई थी तो अभी आपको खिचड़ी दिखाती हूँ मैं। खिचड़ी बना ली है और अभी दिखाती हूँ, जब बन के आती है तो मैं आपको खिचड़ी भी दिखाऊंगी। चलिए इसको तो मैं रख ही देती हूँ पहले। और एक ये देखिए मैं इयररिंग ये वाली खरीद के लाई हूँ, ये ऐसी चकोर डिजाइन है बस इसका, और एक्चुअली मुझे सुंदर लग रहे थे, ये अच्छे लगे थे। इसको जब मैं पहनूंगी तो पहन के भी दिखाऊंगी आपको ऐसे ही। ये इयररिंग्स हैं, ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, गोल्डन है ये, मुझे बहुत प्यारे से लगे थे। एक्चुअली वहाँ गुरुद्वारे में गए थे ना उस दिन बंगला साहब, वहाँ पर शॉप्स थी, वहाँ से लिए थे हमने, तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये खरीद लिए। खिचड़ी भी बनाई है और ये खिचड़ी है, आज खिचड़ी में हल्दी भी डाली है और टमाटर भी डाला है, तो मूंग की छिलके वाली दाल की वैसे ये खिचड़ी है। और इसको तड़का लगाया, प्याज का तड़का लगाया टमाटर का, और इसको ऐसे तैयार किया है। और ये देखो फरीदाबाद में बारिश, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। हाँ मैंने पॉलीथीन से कवर किया हुआ है इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, बट अब आप सबको बोलती हूँ मैं भी गुड नाइट। रात होने वाली है, आज के वीडियो का मैं एंड करती हूँ अब, और आप सबको प्यारी सी गुड नाइट।